जगह देखो कैसी जगह पे खाली हो रही है गाड़ी। भाई बहन थोड़ी है, हम भाई भाई हैं। पता नहीं किस जगह पे पहुंच गया। गुड मॉर्निंग राधे राधे सभी को। हम आए हैं आज सर्कल हाट से धर्मपुर के रोड पे गाड़ी खाली करने के लिए, और सुबह इतने जल्दी जल्दी में निकले, फटाफट से मैं नहाई क्योंकि मैंने पूजा भी करनी थी, और फिर गाड़ी लेके हम निकल पड़े। तो आज मैंने गाड़ी नहीं चलाई, आज तो चाचा जी लेके आए क्योंकि हमने बहुत जल्दी जल्दी में पहुंचना था यहाँ पे। और पीछे आप लोग देख सकते हैं इनका काम लगा हुआ है यहाँ पे, तो इन्होंने लेंटर वगैरह डालना है, तो उसके लिए सीमेंट चाहिए, और सीमेंट पूरी गाड़ी मंगवाई होगी इन्होंने, तो उस चक्कर में फिर यहाँ पे हमने उतारी गाड़ी आधी अभी आगे उतारनी है हमने, तो भाई इतना टाइम लग गया। और आते आते रास्ते में इतना रोड ख़राब है कि आप लोग आओगे इस रोड पे तो परेशान हो जाओगे। खाली गाड़ी हो तब तो बंदा परेशान हो जाएगा, अगर लोड गाड़ी है तब तो चलो यार थोड़ा दब के चलती है गाड़ी ना, तो ठीक है। खाना कुछ नहीं खाया है, भूख भी लग रही है मुझे। मैं सोची यहाँ पे दुकान वगैरह होगी तो वहाँ पे फ्रूट वगैरह ले लूँगी, बट यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं यार। तो मेरे साथ ये भी आजकल गाड़ी पे आता है, अब यार करो इतने पीछे था हमारे से, पीछे खाली है ना इसलिए। बस। दो बोरियां इन्होंने उतारी और बाकी अभी उतार रहे हैं आस्ते आस्ते, क्योंकि थोड़ी सी गाड़ी करनी है यहाँ पे खाली, और थोड़ी सी फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे स्टोर है इनका, इसको भी लेके जाती वृंदावन, तो ये भी वहां से कुछ ना कुछ सीख के आता है। मेरा प्यारा भाई, हम भाई बहन थोड़ी हम भाई भाई हैं, ऐसा क्यों भूल जाता है तू कि हम भाई भाई हैं। दोनों भाई बहन होते तो लड़ाई करते, हम नहीं करते हैं लड़ाई, हम दोनों में इतना प्यार है, इतना प्यार किसी में नहीं है पूरी दुनिया में। मेरा जो है चाय पीने का बहुत खतरनाक मन कर रहा है, और यहाँ चाय की दुकान नहीं है, पर एक अंकल ने बोला कि हम घर से चाय बना के लेके आ रहे हैं, तो 15-20 मिनट हो गया अभी तक चाय नहीं आई। इस टाइम तक तो मैंने पूरी लेबर को चाय पिला के, पूरे सबको चाय पिला के फ्री हो जाना था। ये नहीं पीता चाय ना, इसको नहीं है फिक्र चाय की, पर हम उधर वृंदावन जहाँ जहाँ गए बस चाय पे डिपेंड थे, दो टाइम तो पक्का परमानेंट चाय थी, दो क्या तीन टाइम भी हो गई थी। जगह देखो कैसी जगह पे खाली हो रही है गाड़ी, यहाँ से लेके जा रहे हैं और यहाँ से ऊपर कुछ ऊपर जा रहे हैं, कभी यहाँ नीचे। ये भाई रोड बन जाएगा ना उस टाइम, ये रोड आपको देखने लायक होगा, चलने लायक होगा, दौड़ाने लायक होगा गाड़ी यहाँ पे। अपनी गाड़ी आधी खाली हुई और कान दर्द हो रहा है मेरा, मेरा भाई बाहर निकलता ही नहीं है, वो बोलता है मैं काला हो जाऊंगा बाहर निकल के। ये हमें अंकल पिला रहे हैं चाय और साथ में चने, चम्मच हमारे पास है, इस पे लगा हुआ है, इस पे अचार लगा हुआ है। गाड़ियां निकल रही हैं, चाचा जी बैठे हुए हैं बाहर खाने पीने के लिए, हम बैठे हैं अंदर। चाय तो बहुत टेस्टी है। A few moments later. अभी लेके आई मैं लीची का जूस दो टेढ़े मेढ़े, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, माँ भैया भूख लग रही है। लीची मुझे बहुत पसंद है, लीची का जूस भी बहुत पसंद है। शुरू होते ही ख़त्म, 10 रुपये खा रही है मैंने। ऐसा करेंगे इसमें पानी भर के रखेंगे ना फ्रिज में, 10-10 का पी लेंगे। सोचा था टकटका लेके आएंगे पर टकटका था नहीं वहाँ पे। 2 hours later पहुँच गए कि नई लोकेशन पे, पता नहीं कौन सी जगह है। सो के आई मैं तो नींद में नींद आ गई थी मुझे। बच्चे मेरे को पूछे दीदी मैंने ट्रक चलाया, मैं क्या हुआ ट्रक चलाए, साइकिल नहीं आंदी चलाने, बस पता नहीं किस जगह पे पहुँच गया। पता नहीं कौन सी जगह है ये, तो सर्च करके देख, तू देख सर्च कर। अभी फ्रूट लेके आए, फ्रूट भी कच्चे हैं। कौन सी जगह पे हम, हाँ चीर जगह है। इन बच्चों से पूछा मैंने, ये जो यूट्यूब चैनल सर्च कर रहे थे ना, ये बोलते ओए भाई इतने सारे सब्सक्राइबर। ये क्रीम रोल लेके आए केले, और ये बस खत्म। लंका गाड़ी पीछे उतर रही है ना, इधर हम रुके हैं।
सो के आए, इसलिए मैं रास्ते का पता नहीं लगा, पर रास्ता बिल्कुल सिंगल है। अब हम पहुंच गए मेन रोड पे, मेन रोड पे। भाई मेरा सर टूट रहा है, कैसा बहुत तेज। तो मैं आई पहुंच साइन करवा के, गाड़ी अब इतने दूर लगा दी इन्होंने एक मिनट में। अभी हम आप रास्ते पहुंचे हैं, उसके बाद फिर सीधा घर। ऐसे देख रहा अंकल जैसे मैंने पता नहीं बाइक चोरी कर ली हो, मिल लेगा इतना क्राउड है लोगों में। सो गाइस आज हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक इसलिए है क्योंकि आज यहाँ पे कुश्ती है, और हम जो हैं इसलिए जल्दी जल्दी घर आ रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ पे कुश्ती है, तो हमने भी तो जाना था देखने के लिए, तो हम गाड़ी खाली करके इतने जल्दी जल्दी आए ताकि हम कुश्ती देख पाएँ। और मेरी फ्रेंड थी वो भी वेट कर रही थी काफ़ी टाइम से। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, हम जाएँगे कुश्ती देखने और आप देखना मेरा ब्लॉग। ओके बाय।